हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, मैंने अभी रिसेंटली में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो आने वाले टाइम में जॉब्स ऑफर करने वाली हैं ऑनलाइन गेमिंग को और टॉयज डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स को। और फ्रेंड्स, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्द आने वाले समय में एक हैकथॉन होने वाला है और ये अनाउंसमेंट हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जी की तरफ से की गई थी। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि भाई, क्या हम इस हैकथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर नहीं, और क्या ये हैकथॉन फ्री फायर वालों के लिए होगा या नहीं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा गया था, फ्री फायर वालों के लिए होगा या नहीं। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई, मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाऊँगा या नहीं, और जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है या फिर या ये किसी कारण बना नहीं पाए तो उनका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इन सब सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि हैकथॉन जो है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट या मेंबर एक साथ इकट्ठा होते हैं और कंप्यूटर इम्प्रूवमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की योजनाएं बनाते हैं और अपना अपना विचार रखते हैं। और मैंने बताया था कि इसी हैकथॉन में ऑनलाइन गेमिंग के लिए जॉब्स ऑफर होंगी, ऐसा हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जी की तरफ से कहा गया था और मैंने ये न्यूज़ उस वीडियो में कवर की थी। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप इस हैकथॉन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, तो इसमें बताया गया कि इस हैकथॉन में उच्च शिक्षण संस्था वाले स्टूडेंट से इस हैकथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 9th या 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं उन स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि उन वाले स्टूडेंट्स को उनके स्कूल में इसके एक ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि होगी आर्ट ऑफ टॉय, यानी कि टॉयज डेवलपमेंट की और पपिट मेकिंग की इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होंगी, यानी कि अगर आप इस ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आप इसमें इंटरनेशनली कहीं भी जॉब पा सकते हैं और अपनी गेमिंग में भी इसमें जॉब्स पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक स्पेशल ट्रेनिंग होगी जो कि सभी स्टूडेंट्स को दी जाएगी उनके स्कूल में। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर ये वाला स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे तो इसमें बताया गया है कि आने वाले समय में आपको ये जो ट्रेनिंग है, स्पेशल ट्रेनिंग, इसको एक सब्जेक्ट के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा आने वाले समय में, इसमें ऐसा बताया गया है। और फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड वगैरह जो हमारे 9th, 10th या 11th के स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको इस बारे में इन्फॉर्म जरूर करेंगे। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा था कि जो हैकथॉन है ये फ्री फायर वालों के लिए होगा या फिर नहीं। ओके फ्रेंड्स, इसमें ऑनलाइन गेमिंग्स हैं तो ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड पूछा गया था, जिसको कि मुझसे सबसे ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने सभी ऑनलाइन गेम्स के बारे में कहा था। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ऑनलाइन गेम्स जो कि भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और खेले जाते हैं, जैसे पबजी हुआ, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, GTA 5 और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा खेले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी ऑनलाइन गेम्स हैं जिनके लिए ये बात लागू होती है। चाहे आप कोई सा भी ऑनलाइन गेम खेलते हो या फिर चाहे आप उसकी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो या नहीं, ये बात सबके लिए लागू होती है। ऑनलाइन गेम्स मतलब किसी भी टाइप का ऑनलाइन गेम। और फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था मुझे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, यानी कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई, जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है क्या वे इस हैकथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर नहीं, और उनका क्या होगा जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है गेमिंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं जो कि गेमिंग खेलते हैं, मतलब गेमिंग करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं इंडिया में, और ऑनलाइन गेमिंग भी करते हैं, ऑफलाइन गेमिंग भी करते हैं, और उनमें से बहुत ही कम स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल होते हैं गेमिंग से रिलेटेड। और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि हमारे पास डिवाइस इतने अच्छे नहीं होते हैं कि हम उससे अपना गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकें और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर सकें। और इस हैकथॉन में यूट्यूब चैनल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये है कि चाहे आपका YouTube चैनल हो या फिर ना हो, आप इस हैकथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेट करने के रिक्वायरमेंट मैंने आपको शुरू में ही सभी बता दिए हैं। और अगर इसमें आगे भी कोई ऐसा अपडेट आता है कि इसके पार्टिसिपेट और रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट है जो कि आपके मन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।